हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द इजीएस्ट मेथड टू रिमेम्बर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सो फ्रेंड्स, वी ऑल नो ब्रीथिंग के चैप्टर में बहुत सारे वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और रेसिडुअल वॉल्यूम। इन सबको याद रखना, इनके नंबर याद रखना। अभी तो आपको याद हो जाएंगे, बट इन द प्रेशर ऑफ एग्जाम आपको ये याद आना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से आप ये जो वॉल्यूम है ना फ्रेंड्स, आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपको उठने बैठने कभी में भी अब कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद आ जाएगा। तो देखते हैं ये कौन सी ट्रिक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं ये जितने भी वॉल्यूम और कैपेसिटी है इनके नाम। तो इनके नाम हम याद रखेंगे ये सिंपल से सेंटेंस से। तो वो सेंटेंस है, तेरी एज 5। तेरी एज 5 में एज को आप उतना ध्यान मत दीजिए और हमारा मेन फोकस होगा तेरी और 5 पे। तो तेरी के टी से आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, ई से आ जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आर से आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम और आई से आ जाएगा हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से जो हमने तेरी एज 5 रखा है, 5 के एफ से आ जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, आई से आ जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वी से आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी और ई से आ जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये तो हम याद कर लेंगे। और एक और होती है फ्रेंड्स, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये तो आपको याद ही हो जाएगी कि टोटल लंग कैपेसिटी जो और सबका प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये थे ट्रिक के कैसे मेमोराइज करें कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम्स, जितने भी वॉल्यूम्स हैं इनके लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम मेमोराइज कर लेते हैं कि इन सब के वॉल्यूम कैसे रिमेंबर रखा जाए। तो फ्रेंड्स, जो तेरी था हमारा, उससे हम याद रखेंगे हमारे एमएल्स। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो तो होता है 500 ml, आप इसको आसानी से याद रख सकते। अब इससे ही आप आगे का देखेंगे। 500 ml, तो इसको 5 लिख दीजिए, 5, 10, 11, 12, 25, 30, 25, 30, 5, 10, 11, 12, 25, 30। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है 1000 to 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 to 1200 और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है 2500 to 3000। तो आप इस तरीके से याद रखिए, 5, 10, 11, 12, 25, 30। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे कि टाइडल वॉल्यूम में एनसीईआरटी में 6000 to 8000 ml/min भी दिया हुआ है, बट एक्चुअल में जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है और जो आपको दिया हुआ है 6000 to 8000 वो पर मिनट दिया हुआ है। आप गौर से पढ़िए उसको। जब एक जो हेल्दी मैन है वो 12 to 16 times per minute ब्रीथिंग लेता है, तो जब हम 500 को 12 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000 to 8000। तो यही एकदम है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि 500 आएगा या 6000 या 8000 आएगा। तो टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml ही होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम कैपेसिटीज याद कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम इजी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, T+E+R+I, जो हमारा तेरी है उसको सबको प्लस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब बारी आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी फ्रेंड्स, T+E, जो तेरी का T+E है ना, आप उसको प्लस कर लीजिए तो आ जाएगी आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह पी को और आई के साथ प्लस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बेचारा आर तो बच गया, एक काम करते हैं आर को रिमूव ही कर लेते। रिमूव करने के बाद तो हमारा जो सेंटेंस में तेरी था वो तेरी नहीं रह गया, अभी TEI बच गया। लेकिन यही जो है हमारा आंसर है वाइटल कैपेसिटी का। तो ये हो गए हमारी कैपेसिटी। हाँ, और लास्ट में बच जाती है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो जो आर है ना फ्रेंड्स, आर को ई के साथ प्लस कर दोगे तो हमारी आ जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो है T+I। तो यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हमारा टाइडल वॉल्यूम है 500 ml और इंस्पिरेटरी है 25 to 300 ml।
तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आएगा 3000 to 3500 ml। इसी तरीके से आप एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल एसिडल कैपेसिटी भी कर सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, जैसे कि टोटल लंग कैपेसिटी है, आप वाइटल कैपेसिटी को देख सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी में सब है बट आर नहीं है, तो टोटल लंग कैपेसिटी इस तरीके से भी आ सकती है कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज का कोट ऑफ द डे है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, सेड बाय अब्राहम लिंकन। तो यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी गाइड।